नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखें सिद्धार्थनगर से। थाना सिद्धार्थनगर एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा 12,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरफ्तार अभियुक्त सिद्धार्थनगर के निवासी बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में 27 व जनपद बस्ती के थाना रुधौली में एक मुकदमा पंजीकृत है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि मोहम्मद रहीस, जो 12,000 का इनामिया है, जिसकी गिरफ्तारी बता दें सुहास रोड के पीछनी खुर्द में कठौवा पुल के पास से हुई है। अभियुक्त रहीस ने बताया कि केसर जहां उसकी प्रेमिका है तथा दोनों मिलकर दिन में ऐसे घरों की रैंकी करते जिसमें तालाबंदी रहती है और फिर रात में जाकर एक विशेष प्रकार के लोहे के रॉड से ताला तोड़कर चोरी कर लेते हैं। चोरी के बाद उक्त जनपद को छोड़ अन्य जनपद में जाकर मौज मस्ती करते हैं। अभियुक्तों के पास से सोने चांदी के आभूषण बता दें बरामद किए जा चुके हैं। इसी के साथ साथ 12 बोर का तमंचा और एक अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। एडिशनल SP ने सराहनीय कार्य में संयुक्त पुलिस टीम को उत्साह वर्धन हेतु 15,000 नगद इनाम दिया है। सिद्धार्थनगर से असदुल्ला सिद्दीकी की रिपोर्ट। ये पुलिस टीम SOG प्रभारी शेषनाथ और अमित हैं, सर्विलांस प्रभारी और उप निरीक्षक ये जेल रोड चौकी प्रभारी शशांक और तहसीलदार सिंह हमारे प्रभारी निरीक्षक, ये संयुक्त टीम के द्वारा एक गैंग को आज पकड़ा गया है क्योंकि बंद घरों में चोरी करता था जाकर के गैंग। इसका जो ये गैंग लीडर है ये मोहम्मद रईस है, ये 12,000 रुपये का इनामी अपराधी है जनपद सिद्धार्थनगर का और ये किराए से यहाँ पर रहते थे, बंद घरों की ये रैकी करते थे और जाकर के रात में वारदात को अंजाम देते थे। इनको आज सुबह कठौवा पुल के पास से इनकी गिरफ्तारी की गई है। ये पुरुष जो है इसके पास से एक ये अवैध तमंचा बरामद हुआ है और जो दो चोरियां अभी हुई थी हमारे जनपद सिद्धार्थनगर में उनका पूरा सामान बरामद हुआ है और इसके अलावा भी छुटपुट वारदातें इनके द्वारा की गई जिसके संबंध में जानकारी की। सर, अभियुक्त के ऊपर कितने मुकदमे हैं और इसका कैसर जहां से क्या संबंध? ये कैसर जहां जो महिला है ये अपने पति को छोड़ के इसके साथ रहती है और ये रईस जो है वो अपनी पत्नी को छोड़ के जो एक साथ यहां रहते थे और रैकी करके ये वारदात करते थे। अभियुक्त रईस जो है इसके ऊपर 28 मुकदमे पहले से दर्ज हैं और ये अभी और मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ये शुद्ध रूप से गैंग बना के अपराध कर रहा था और इनके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई और हमारी टीम जिसने गिरफ्तारी किया है इसको 15,000 रुपए का पुरस्कार। बाबा फैमिली प्लाजा की तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। ईद के शुभ अवसर पर फैंसी रेंज के साथ हमारे यहाँ किड्स वेयर, लेडीज वेयर व जेंट्स वेयर आदि गारमेंट्स उपलब्ध है। आप सभी को शहजाद खान प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु एवं समाज सेवी की तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। FH मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल एतमादपुर रेलवे पुल के पास NH2 टूंडला फिरोजाबाद की तरफ से सभी देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को वार्ड नंबर 48 लेवर कॉलोनी के पार्षद पति गुलशन खान की तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं।